हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचायती राज विभाग की तरफ से जो है एक बहुत बड़ी अपडेट, ये आप लोगों के लिए एक खुशी की लहर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दो पीडीएफ यहाँ पे पंचायती राज की तरफ से यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो दोनों आपको खुश करने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत जल्द यहाँ पे जो है मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो किन किन लोगों के फ्रेंड्स, पहले जो लोग यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं बेल्टॉन के, ठीक है, ऑलरेडी पैनल में है, उन लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है। इस गुड न्यूज़ को आप एक बार अच्छी तरह देख ले, उसके बाद आपको कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी बड़ी वैकेंसी है कि इनमें टोटल जो है 8,000 8,000 16,000 जो है वैकेंसी डाटा ऑपरेटर की निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या फ्रेंड्स कि न्यू रजिस्ट्रेशन की संभावना 110% है कि न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे निकल के आ सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स वो कौन सा पीडीएफ है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे जो है निर्णय लिए गए हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य में अब तक रिक्त कार्यपालक सहायक डाटा इंटरप्रेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु जिले से अधिसूचना प्राप्त कर विभाग के स्तर से बेल्टॉन को भेजने की कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आप अगर देखेंगे फ्रेंड्स, दिया गया है कार्यपालक सहायक का नियोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रखंड पंचायत राज्य प्राधिकारी सह पंचायत समिति कार्यपालक प्राधिकारी के कार्यालय हेतु एक एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन एवं जिले पंचायती राज प्राधिकारी के कार्यालय हेतु तीन तीन अतिरिक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन करने हेतु लोक वित्त समिति का संकल्प तैयार करे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन तीन अतिरिक्त कार्यपालक सहायक की बात कही गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ऑलरेडी हर एक पंचायत में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और पहले से कार्यरत है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे तीन तीन और जो है यहाँ पे कार्यपालक सहायक लगने वाली है हर पंचायत में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे पूरे बिहार में 8,700 पंचायत है, जैसे एक कार्यरत है और दो दो डाटा ऑपरेटर की यहाँ पे मांग की जाएगी बेल्टॉन से, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,000 और 8,000 यहाँ पे टोटल मिला के 16,000 यहाँ पे वैकेंसी बन रही फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों का भी नियोजन किया जाएगा, जिसमें कि पंचायत भवन का यहाँ पे साफ सुथरा रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 8,700 पंचायत यहाँ पे सुरक्षा गार्ड और यहाँ पे जो है सफाई कर्मी का यहाँ पे नियोजन किया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं उन लोगों का, और ख़ास करके यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स मेरे पास और एक लेटर है पंचायती राज विभाग की तरफ से, वहाँ पर भी आपको एक अपडेट मिलने वाली है। तो आपको मैं ये लेटर दिखा दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है पंचायती राज विभाग का ये लेटर है, ठीक है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह निदेशक सभी जिला पदाधिकारी जिले प्रखंड पंचायत में कार्यरत कर्मी के ईमेल आईडी हेतु आईटी डिपार्टमेंट के विहित पत्रम में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ है ये लेटर किस चीज़ के बारे में कहा गया है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, चाहे बेल्टॉन के कर्मी हो या फिर दूसरे कर्मी हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो है अपडेट ये दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है कि उन तो आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि क्यों मांगा गया है, ठीक है। तो मैं आप लोग बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है एक आईडी कार्ड बनने वाला है बिहार सरकार की तरफ से, जो जिसकी वैधता एक वर्ष की होगी। हर कर्मी का अलग अलग यहाँ पर आईडी कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। बेल्टॉन के कर्मी के लिए अलग बनेगा, ठीक है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक आईडी कार्ड बनेगा, वो बिहार सरकार का
एक पोर्टल है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी शुरू नहीं किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे निर्देश दिया गया है। पहले यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे विभाग जो है मांग रही है, उसके बाद यहाँ पे जो है सबका आईडी कार्ड क्रिएट किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गया हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है कार्यपालक सहायक का विवरण यहाँ पे मांगा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे पहले पहला कॉलम में है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिजिनेशन, डिपार्टमेंट, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ रिप्लेसमेंट, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी जो है एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे मांगा गया इस तरह से, विभाग भेजेगा उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड क्रिएट किया जाएगा फ्रेंड्स। पंचायती राज विभाग की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 16,000 प्लस यहाँ वैकेंसी आने वाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो बड़ी अपडेट मैंने आपको दे दिया है। ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जो लोग वेल्टन के पैनल में ऑलरेडी बचे हुए हैं पास आउट कैंडिडेट, उन लोगों के लिए ये अपडेट है, खुशखबरी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जो भी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए यहाँ पे भी बड़ी खुशखबरी है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर हाँ तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं बेल्टन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल पर लेके आता हूँ फ्रेंड्स। बेल्टन की हर छोटी बड़ी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।